जय हिंद दोस्तों, ये वंश डेयरी है इंदी रोड करनाल गांव समोरा। प्रीतम चोपड़ा जी हैं, इनके मित्र हैं राकेश जी, और गाय दिखा रहे हैं HF। आप भी देखोगे तो हैरान हो जाओगे। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। गाय दिखा रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ जी हैं? हाँ जी, अच्छी गाय है। मलाई जैसा है शरीर? हाँ, प्योर में है जी। हैं? प्योर अच्छे भाई। तो इसका वो ऑर्डर के आगे वो बना हुआ? भाई आई है जी, कल बच्चा दिया। कौन सी ब्यास की है ये? सेकंड बार की। तो सेकंड में भी आ जाती है? आ जाती है। फर्स्ट में आती है? नहीं, सेकंड में भी आती है। वो तो बहुत ज्यादा है। आ जाती है, कल ही बच्चा दिया। कल दिया इसने? हाँ, अच्छी होती है। तो पहले बार में इसने कितना दूध दिया? 35-36 लीटर। 35-36 लीटर। हाँ जी। और अब? अब उम्मीद कर रहे हैं 40+ की जाएगी। बिल्कुल जाएगी 40+ से। गाय देख की कितने दांत है? ये 6 दांत है। कल दिया क्या इसने? बछड़ा दिया जी। बछड़ा दिया? या ऐसा यार, पता क्या, जो अच्छी गाय होती है ना जी, उसकी बछिया बड़ी महंगी बिक जाती है। वो 20-25 हज़ार की बिक जाती है। ऐसे अंकल जी? हाँ। हमने को अपने फार्म पे तैयार थोड़ी करनी है, हमने तो सब बेचनी है। कि अगर इससे बदलेंगे दूसरी का चली जाएगी वो। नहीं तो बेचोगी? नहीं नहीं, बेच अलग, नहीं, अलग से ले जाते हैं लोग। बच्चा नहीं बिकता अलग से। वो कहते हैं छोड़ जाओ यहीं पे। नहीं नहीं, वो तो कल हमने बताया था, हमने दिखाई वीडियो में, तो छोटी सी बच्चिया साथ में है। वो कहता 20 का 25 हज़ार दे रहे थे कि छोड़ दो। ऐसा है जी, ये सब बोलने वाली बातें होती हैं। हाँ। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाली बातें होती हैं। अच्छा, कि ये इसकी बच्ची बिक जाएगी 50 हज़ार की। हाँ। वो मांग रहा है, देनी है। अब सबको पता है जी, अब मैं कोई गाय खरीदूंगा तो मैं बच्चा तो उसका साथ ही दूंगा, उसने देनी नहीं है। और अच्छा, दूसरी बात, अगर हम ब्रीडिंग का काम करेंगे ना। हाँ। अगर ब्रीडिंग की तरफ हम जाते हैं, देखो गाय बहुत अच्छी है, ब्रीडिंग पर्पज के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे फार्म की गायें हैं, दूध मिल्किंग करेक्टर सारे बढ़िया हैं जिसके। अगर हम ब्रीडिंग करेंगे तो हम अच्छी गायें किसी को भी नहीं दे पाएंगे। जितनी भी अच्छी गाय होंगी हम अपने पास रखेंगे ब्रीडिंग के लिए, जो हमारी अच्छी नहीं होगी फिर हम वो सेल करेंगे। इसके आगे इसका बच्चा बांध देंगे। हाँ। दूसरे का बच्चा नहीं चाटेगी, अपने बच्चा अपने आप ही चाट लेगी किसान को अपने। क्या दाम की है ये? ये डिमांड तो कर रहे जी 1,05,000 की। 1,05,000? हाँ। बेचोगे कितने की? 90 तक छोड़ देंगे, कोई लेगा। 85 की भी छोड़ दो? नहीं, 90 से कम नहीं छोड़ेंगे। प्रीतम जी? हाँ जी। ये घुमा रहे बड़ी शांत है। हाँ जी, ये बछड़ा, लेकिन उसका इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये अलग है जी, वो अलग है जी। तो ये कौन सी ब्यास की है? दूसरी बार की। हाँ जी, 28 लीटर दूध रेडी है। ऑर्डर के इसको देखो, चारों वो अलग हैं। हाँ जी, चारों खाने अलग अलग हैं। इसका ब्याह है ना 4th दिन है जी आज। अच्छा, ये ब्याह चुकी है? हाँ, 4th दिन। 28 लीटर रेडी है, कोई भी निकाल के 2 टाइम निकाल के। हाँ, मतलब मिल्किंग करवा के दो? बिल्कुल, 2 टाइम निकाल सकते हैं, चाहे 3 टाइम निकाल ले, चाहे 4 टाइम, 12 घंटे का आप देखे 4 टाइम निकाल लो। तो क्या दाम होगा? डिमांड तो इसकी कर रहे हैं जी 85,000 रुपए की। ये ब्रॉड ब्रीड में क्रॉस में? नहीं, ब्रीड में जी। 85,000 की है, दे दोगे कम में? हाँ, छोड़ देंगे 80 तक छोड़ देंगे जी। 75 की? नहीं नहीं, 75 तो 28 लीटर दूध है। अभी तो 4 दिन की तो ब्याह है जी, 30+ जाएगी। 28 लीटर तो 80 और 75 के बीच में छोड़ दोगे? हाँ चलो, मान सम्मान कर देंगे, और कोई आएगा जी। चलो ठीक है। चलो, ये जर्सी क्रॉस में है जी। जर्सी क्रॉस में? हाँ जी, लेकिन आगे से तो बहुत पतली है। नहीं, जर्सी क्रॉस, पीछे से भारी है। हमारी NDRA की नस्ल है जी। NDRA की नस्ल? हाँ जी। इसके दूध के ऊपर वेंस बड़ी है, ऑर्डर के ऊपर। हाँ, दूध वाली गाय है। दूध वाली है? हाँ, कितना दूध देगी? देना चाहिए 25 लीटर के आसपास। पतली चमड़ी चमकदार? हाँ जी, 25 लीटर। कौन सी ब्यास है? रात को बच्चा दिया जी। कौन सी ब्यास है? हम तो दूसरा कहते हैं जी, तीसरा भी बोल सकते हैं जी, देखो उम्र की है। हाँ, तीसरा भी हो सकती है। तो क्या दाम होगा इसका? डिमांड तो इस टाइम 55 की कर रहे हैं, 52 तक छोड़ देंगे। 51 की भी दे दोगे? हाँ, हो जाएगी, दे देंगे। 50 की नहीं दोगे? नहीं, 50 की राकेश बोलेगा, दे देंगे जो भी बोलेगा भाई। बोले ठीक। कौन सी ब्यास की? सेकंड बार की। सेकंड बार? हाँ जी, सेकंड बार में। सेकंड बार की राकेश मानते? सेकंड की है। कोई पुराना पड़ कितने दांत है? 6 दांत होगी। अच्छा, कितना देगी दूध? दूध उम्मीद करता हूँ जी 25-30 लीटर के बीच में। ऑर्डर तो छोटा सा, अभी तो 15-16 दिन बाकी है जी। अभी बाकी है? हाँ, बढ़ जाएगा? बढ़ेगी, बहुत अच्छे सीमन की बछड़ी है जी। अच्छा। हाँ जी, तो 25 तक जाएगी? 25-30 के बीच में। 25-30 के बीच अभी तो टाइम पड़ा अंकल जी। सेक्सीमन लगा क्या? ये नहीं पता। अच्छा, ऐसे ये नहीं मालूम। तो क्या दाम में आएगी? ये डिमांड तो इसकी 75 ही कर रही जी, 72 तक छोड़ देंगे। तो बहुत, वो तो वो वही 70-71 की रहेगी बात। देखो ना, बछड़ी कैसी है जी? बछड़ी तो ठीक है। हाँ, अच्छी बछड़ी है जी।
गाय में नहीं है, 30 लीटर दूध है, 25 से 30 के बीच में रहे, 25 और 30 के बीच में नया पशु है जी, तो 71,000 की दे दोगे? हाँ दे देंगे 71,000 की दे देंगे। तो बुखार जो जो आजकल गर्मी में होता है क्या? नहीं आज तो जालिया टाइम का, अब बीमारी जो है कम आएगी, 100 में से 1-2% जो नया जैसे कोई शुरू करना चाहता है, अभी कोई दिक्कत नहीं, नहीं अगर कोई नया शुरू करना चाहता है बिल्कुल, तो कोई पहले कैसी लेके जाएगा? 25 से 30 के बीच में, उसके बीच में। हाँ कितने दाम में मिल जाएगी? 60-70 के बीच में ऐसा जी, पुट्ठा तो 60 के आसपास पड़ जाएगा, अगर 60 में मिल उसमें ला लो, 25 लीटर वाली मैंने 52 की भी दिखाई है आपको, 51 की भी दिखाई है, तो 25 लीटर वाली 70 की भी है, ऐसा नहीं है कि भाई सारा सेम रेट है, पर दूध के ऊपर रेट नहीं होता है, पशु की कैसी हाइट है, कैसा थन ले रही, ऑर्डर कैसा ले रही, ब्यूटी कैसी है, तो उसके हिसाब से रेट होता है। वैसे अगर कोई किसान का लड़का ही शुरू करे उसी के लिए बेहतर है, आम भी कर ले तो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाता। हाँ जी, इसको नॉलेज नहीं है तो दिक्कत है जी, तो क्योंकि उसको तो बांधने का चारे का बहुत आसान, किसान के तो उसके खून में ही होता है, जो देखा देखी करने वाले फिर फंस जाते हैं। हाँ जो देखते हैं यूट्यूब पे घास कैसे डालते हैं, तो हमारे पास आया था मेरे राकेश जी के पास, हमने पूछा कैसे करोगे, वो बोलता था आसाम का था, यूट्यूब देख के घास डालेंगे, अरे बाप रे, तो क्या करेगा, रहने दो, तो नहीं नहीं डालेंगे घास, तो लेके गया, ऐसे ही घास भी ऐसे ही डाल रहा होगा जो यूट्यूब देख के घास डालेगा, तो ऐसे ही डालेगा, वो दूध कहाँ देगी, दूध भी कहाँ देगी, बीमार होगी संभाले, बीमार भी होगी संभाले, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है आज बिल्कुल। यूट्यूब पे तो ये कहने वाले भी हैं जी कि गाय 2 किलो खाती है, 4 किलो खाती है, अब एक बात तो बताओ जी, कोई गाय 40 किलो दूध देने वाली है, 40 किलो दूध देने वाली है, बोल देते हैं कि 7 किलो फीड खाएगी उस, अब गाय की जितनी, अब आदमी को जितनी भूख है जी, खाएगा तो वो इतना, हो सकता है वो 40 किलो वाली 5 किलो खाए, हो सकता है वो 12 किलो खाए। अब ये तो हंसी वाली बात होगी, गूगल पे देख करके वो चारा डाले, सच्चाई है जी ये, से हमारे पास आया था साई वाले, फिर तो प्रकृति का ना जी जो, हाँ जी वो गूगल कैसे पूरा करेगी, अभी ले लो 6-7 महीने में है, 8 महीने में इसमें फीड कम खाता है जानवर, क्यों, पानी की प्यास ज्यादा लगती है तो फीड कम खाएगा, अभी मौसम ठीक हो गया अभी फीड ज्यादा खाएगा, ये तो कोई फिक्स नहीं है, इतनी जो चीज प्रकृति का है उसको गूगल कैसे बताएगा, गूगल ये क्या कहाँ से बता देगा कि इसको इतनी भूख है। ये जो दिखा रहे हो, हाँ जी, तो बड़ी पली हुई है, हाँ जी, तो क्रॉस में है, साईवाल क्रॉस में, साईवाल क्रॉस एचएफ से, 15-20% साईवाल क्रॉस में, ज्यादा नहीं है जी, तो बाकी एचएफ में। कब तक बयाना है इसने? इसका भी 1.25 महीना बाकी है, 1.25 महीना बाकी है, तभी ऑर्डर जो है ढीला है। हाँ 35 लीटर पिछली ब्यात में फर्स्ट में दूध दियो है इसने, दिया है। हाँ जी। अच्छा फिर तुम ये बता, ये जैसे ये क्रॉस में है, हाँ जी, तो लंबा चलेगी? हाँ लंबा चलेगी जी, क्रॉस में तो ये कमजोर नहीं होती, सहेली सी क्रॉस में जी। अच्छा ये तो इंडिया का टेम्परेचर है जैसे, नहीं ब्यात तो नहीं तोड़ेगी? नहीं 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 ब्यात नहीं तोड़ेगी जी, ये तो टेम्परेचर के हिसाब कमजोर नहीं होगी ये। अच्छा दूध 35 लीटर देगी? 35 लीटर दे रखे मालक। कितने में ड्राई हुई होगी ये? अभी की हमने ड्राई जी, 2-3 दिन पहले भी दूध निकला। कितना लीटर था ये? कोई 8-1 लीटर पे ड्राई की, 8 लीटर पे ड्राई। हाँ जी। क्या दाम की होगी ये? डिमांड तो इसकी जी 85,000 कर रहे जी, 85,000। हाँ जी, बाकी हाँ। कोई आया तो 75 तक छोड़, 35 की इस टाइम 35। हाँ जी 35 लीटर दूध, 35 दे रखे पिछले ब्याह में अपने खास आदमी पर आई हुई है जी। अच्छा हाँ जी, कोई ऐसे बाहर से मतलब इतना देगी? बिल्कुल देगी जी, करनाल के पास से आई हुई है जी। अच्छा जी, जिसको पूरी जिम्मेदारी से बोलते हैं? हाँ गाय देख के, जिसको नॉलेज है ना वो तो देख, वो गाय देख के ही बता देगा, जिसको नॉलेज है। अच्छा हाँ, वो तो गाय देख के ही बता देगा कि हाँ वाकई में दूध बड़ी है। ये तो दिख ही रहा है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर, नीचे अर्डर पोजीशन जो है इसकी, पूरा जोड़ दिखाई दे रहा है, तो गाय तो दूध बड़ी रहेगी, दूध वाली गाय अच्छी गाय। एक और सेम इसके जैसे, कितना कम करोगे इसको? 75 में? 75 कर दिया मैंने, देने वाला रेट है ये। 70 में नहीं दो? नहीं 75 से दिया मैंने, पहले 80 नहीं बोला आपको, अच्छा 78 नहीं बोला, सीधा 75 बोल दिया, बार बार कहने का क्या फायदा जी, मतलब 40 तक चली जाएगी, 35 तो प्लस रहेगी, ये तो पक्का है जो गाय देख के अंदाजा लगता है। आज गाय अच्छी दिखा रहे हैं? अच्छी है जी, सारे गाय तो अच्छी होती है अंकल जी, सारी बजट का हिसाब होता है, किसी का बजट कम होता है किसी का ज्यादा होता है। चलो अगले दिखा। हाँ जी अंकल, प्योर में? प्योर एचएफ में जी, डेनमार्क सीमन की। ये भी पूरी पली हुई? हाँ अच्छी है जी, बहुत बड़ी गाय दिखा रहे हो। हाँ अच्छी गाय है। ये कितने दूध वाली है? ये भी 35 लीटर फर्स्ट में दे रखी है मालिक जी। तो अब जाएगी ऊपर? हाँ ऊपर जाएगी। दांत ये तो प्योर में तो 100% जाएगी। कितने दांत है? ये 4 या 6 दांत है, ये देखी नहीं। अच्छा 6 ही पाएगी जी, तो 6 दांत जैसे है। हाँ जी, तो अगले ब्यात में कितना हो जाएगी दूध? ये तो प्योर में थी तो 40 के आसपास की अभी ब्याने वाली है। हाँ अभी तो इसका भी 1.25 महीना मैक्सिमम लगा है। ऐसे ऑर्डनरी
ये फार्म की है जी, पता कर दे सकता हूँ, अभी आई है गाय। अच्छा, अभी आई है। अभी आई है जी, बाकी अच्छे ही सीमन लगाने वाले फार्म। क्या दाम में होगी है? ये डिमांड तो इसकी 85,000 कर रही जी, इस टाइम इसको छोड़ देंगे जी 78 तक जी, 78 तक छोड़ देंगे। 75 तक? 78 तक जी। 75 तक? 75 तक। इकट्ठी लेगा दो तीन कोई दे देंगे, कोई बात नहीं। चलो लेके लाओगे दूसरी लेके आओ। अभी आ गया। हाँ जी, पहले तो बड़ी अच्छी, अभी अब उनके मुकाबले नहीं है ये। उससे अच्छी है ये, उससे अच्छी फर्स्ट की बची है अंकल जी। मुंह से दो दांत है, ठीक है, हाइट देखो। दांत तो तुम छह को भी दो ही कह देते हो। देख के लेके जाएगा कोई, लेके आपने ले ली थोड़ी, आप लेते हो तो आपको दिखा देते हैं। पता क्या बात है? हाँ, दिखा दो। आपने ले ली? अब तुम कहोगे दिखाएगी नहीं। आपने ले ली हो नहीं, अब हम कहेंगे हमने ले ली है, तुम कहोगे दिखा। तुम्हारे बहाने बहुत है, आपकी वीडियो कोई देखेगा। हाँ, देख के तो लेके जाएगा गाय को, हम उसकी जेब में तो डालते। ये फार्म की तो नहीं है? ये फार्म की बची है जी, फर्स्ट की है। नहीं नहीं, फार्म की बची है। वो तो इतनी फैलती नहीं है। पता क्या बात अंकल जी? हाँ। अब हमको तो HF के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ। ना हमको मतलब ये एक मिनट के लिए सोच लो कि अच्छी नहीं लगती। हाँ। लेकिन गायें जितनी भी दिखाई है आज डॉक्टर साहब ने सारी अच्छी दिखाई है। अब हमको नॉलेज नहीं है, हमको उनके मुकाबले ये कम लग रही है। नहीं नहीं, ये उनसे अच्छी है। कितना दूध देगी? जिसको नॉलेज है वही बताएगा जी की अच्छी है कैसी है। फर्स्ट की बची है जी, अभी 20 दिन बाकी है, जब चलेगी ना चाल भी नहीं आएगी जी। ABS सीमन की बची है ये। अच्छा, कितना बताया? आगे डेनमार्क लगा हुआ है। कितना दूध बताया है जी? 25 से 30 के बीच। 25 से 30 के? हाँ जी। सेकंड ब्यांत है? सेकंड ब्यांत है जी। इसकी हर चीज, एक एक चीज देख लो, कोई किसी में कमी निकाल दो भाई, ये कमी है बची। अब थन का गैप देखो क्या क्या दाम में है ये। डिमांड तो 80 की कर रहे हैं जी, 75 तक छोड़ देंगे इसको भी। ये 70 से नीचे जाएगी? नहीं, 70 से तो ऊपर ही चलेगी जी। तुम तो ऐसे कहते जैसे किसी ने पैसे पेड़ से तोड़ के लाने। अंकल जी, गाय कौन सा पेड़ पे लगती है, कोई इसको तोड़ के दे देंगे। हम भी पीछे मोल खरीद के लाते, आगे देते हैं। तो 10,000 नहीं लेना मुनाफा, 5,000 ले लेना। तो 10,000 के कंपटीशन का जमाना, 10,000 का टाइम कहाँ रह गया। अब क्या हो गया? 2-3 हज़ार रुपये बचते हैं। अब ये तो पतले में आ गई। ये सेकेंड बार की है जी? सेकेंड बार की? हाँ जी। मतलब उतनी हैवी नहीं है? हाँ नहीं, हैवी नहीं है। तो सेकंड बार की? हाँ जी। ब्रीड में? हाँ, ब्रीड में। प्योर जक्रॉस में? नहीं, ब्रीड में जी। कितना देगी दूध ये? दूध 25 लीटर के आसपास जी। 25 लीटर? हाँ जी। तो कहाँ से लाए? माँ से जानते हो? नहीं, लोकल से लिया जी, गांव से। नहीं मालूम इसकी माँ का? कार्ड कर मेरे कहाँ की है? नहीं। तो डिमांड भी कम है इसकी? नहीं तो कब तक ब्याएगी? ब्याना तो चाहिए जी इसको, कोई 17-18 दिन पड़े। अभी पड़े हुए हैं? तो अभी तो ऑर्डर बिल्कुल सेट है। अभी तो टाइम पड़े जी, तो सेकंड ब्यांत है, तभी ऑर्डर बिल्कुल टांगों के ऊपर ही है। हाँ, बछड़ी तो अच्छी है। तो क्या दाम क्या है? ऑर्डर अच्छा है। दाम 65 की डिमांड कर रहे हैं, 60 तक छोड़ देंगे। बोले हैं 60 तक छोड़ देंगे, 65 की डिमांड है। दूध 25? हाँ, 25 तो कम से कम देगी। कम से कम? हाँ जी, 30 तक आ जाएगा। 25-26 तो मालिक की खिलाई के ऊपर, खिलाने के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगर इसको बहुत ही अच्छा खिलाएं, हाँ जी, जैसे 4 किलो फीड मांगती है, हम इसको 5 किलो खिलाने लगे और चारा बढ़िया दें, मिनरल दें, तो कितने दूध पे चली जाएगी? आप इसको एक कट्टा डाल दो। हाँ। ऐसा तो है नहीं, ये 40 पे चली जाएगी? नहीं जाएगी, जितनी इसकी कैपेसिटी है उतने तक जाएगी। उतने तक ही जाएगी? हाँ। तो ये तो डॉक्टर हो, कैसे पता चलता थे? ये तो पशु देख के, आप जैसे किसी किसान आदमी हमसे गाय लेके चला गया, हमने 25 लीटर बता दिया, कोई फिक्स तो है नहीं, हमने बता दिया 25 ही देगी, वो तो उसने देखना, उसको 5 किलो फिर डाल के देखो। अगर वो 5 किलो पे भी मतलब 25 किलो दे रही है, 5 सवेरे 5 शाम को, तो फिर उसको बढ़ा के देखो, 6 केजी करके देखो। अगर वो बढ़ रही है तो उसको बढ़ाते रहो। अगर वो 5 किलो फीड डालने से एक टाइम तो भी 12-13 लीटर एक टाइम निकाल रही है, अगर 7 केजी डालोगे तब भी इतना निकाल रहे हो, तो उसको वहीं स्टॉप कर दो। अच्छा, तो बढ़ा के तो देखना चाहिए ना, तो अपने आप देखना उसने बढ़ा के देख। हाँ, ट्राई मारो। कई लोग है 5 बता दिया 5 ही फिक्स रखते हैं, उसको कोई फायदा नहीं। अच्छा, कोशिश तो करके देखोगे तभी तो कामयाब होगे ना। जहाँ पे दूध बढ़ना बंद हो जाए गाय का, वहाँ पे फीड रोक दो, उसके बाद भी कम करनी शुरू कर दो थोड़ी। हाँ, देखो जहाँ पे घटना शुरू हो जाए वहाँ रोक दो। वहाँ रोको जी, वो तो अपने आप ही देखना है ना किसान ने भाई क्या कैसे करना। ऐसा थोड़ी ना है जी कि कैलकुलेशन कर दिया कैलकुलेटर लेके कि इतनी इतनी बड़ी गाय है, इतना दूध दे रही है, 7 किलो फीड बहुत है। अब गाय की भूख ज्यादा है तो ज्यादा खाएगी, कम है तो कम खाएगी जी। हाँ जी। अब ये कितने दाम की है? ये भी फर्स्ट की है जी, डिमांड इसकी 75 जारी कर रहे, 70 तक छोड़ देंगे। तो अब आने वाले दिनों में, हाँ जी, कितने दाम बढ़ जाएंगे? कम से कम 10-15 हज़ार का फर्क पड़ जाएगा। पड़ जाएगा, बिल्कुल पड़ गया वैसे, 5-4 हज़ार का पड़ गया। सर्दियों के? हाँ जी, सर्दियों के कस्टमर ज्यादा होते हैं। दूध की डिमांड बढ़ जाती है? अभी ये लगा लो, अभी जो बैठे थे ना 100 व्यापारी थे,
तो अभी 500 हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इतना फर्क पड़ जाएगा। क्यों? हमारे लोकल में भी जैसे हम गाय लेने जाते थे ना गर्मी में, तो कोई कोई कस्टमर था, हाँ जैसे हम हो गए दो तीन लोग थे, अभी हम लेने जाएंगे तो जो एक एक दो दो लेने वाला है ना जी, वो भी खरीद लेता है, वो भी 2 रुपये पैसा बचाने की कोशिश करता है। तो जैसे कस्टमर ज्यादा होंगे ऐसे रेट ज्यादा होंगे। तो ये कितना बताया दूध? ये देगी 25 से 30 के बीच में, 25 से 30। हाँ, फर्स्ट की बची है जी। दाम? दाम तो यही 75 की डिमांड कर रहे, 70 तक छोड़ देंगे। अच्छा, फर्स्ट में है? फर्स्ट में, और 25-30 के बीच में देगी? बिल्कुल जी, अच्छी सीमन की बची। और समय ब्याने में कितना? अभी 15-16 दिन बाद। 15-16 दिन, हाँ जी। तो एक अब तुमने ऐसा क्या वो किया है या वो जो है तो गलत कमेंट नहीं आते हैं? ऐसा जी, कमेंट तो आपको पता है ये 2-4 डलवाने वाले कौन है, हमको पता है। आप कभी किसी से बोलते हो मेरे से गाय, इससे गाय ले लो, इससे नहीं लेते? बता, आपसे बोलने का क्या मतलब है किसी का? आपसे तो बोलने का मतलब ही नहीं है। वो तो हमारे खिलाफ ही डालते हैं। वो तो एक दो लोग है, आपको पता है, जिस दिन उनके खिलाफ वीडियो बन गई वो छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी उनको। भाई कहाँ छुपे? नहीं, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी बनाने की। नहीं, जब मजबूरी होगी बनवा भी देंगे। मैं कह रहा जला लगाओ जितने, हम तो कहते हैं जितने बढ़िया। ऐसा अंकल जी, जितने कमेंट ज्यादा आएंगे हमें पैसे मिलते हैं। अपने काम पे लग रहे हैं, हम अपने पे लग रहे हैं। परसों वाली वीडियो पड़ी है, वो बोल रहा था, मैंने उसको बोला, वो बोल रहा था भाई कमीशन लेता है अंकल जी, मैंने उसको बोला तूने दी है कभी? अगर दी है अपना मोबाइल नंबर डाल। वो कहता नहीं मोबाइल नंबर डालूंगा, मैं इधर ही आऊंगा। अरे तेरी ताकत तो है नहीं, हमारे सामने मोबाइल नंबर डाल दे, तू आ कैसे जाएगा? वो बोलता तुमको धमकाते धमकाने, जो तू गलत बात करेगा तो आपको बोलना भी। अब ये तुम्हारे यहाँ पर जो है ना, हाँ जी, जब किसी की शिकायत आ जाती है, हाँ जी, तो हम उससे कहते हैं भाई तेरी शिकायत है, हाँ जी, तू या तो इस शिकायत का निवारण कर, नहीं तेरी वीडियो बंद कर। बिल्कुल जी। और करनाल में तुम्हारे एक की हमने बंद कर रखी है, हाँ जी, और उसको परेशानी है, हाँ जी, और वो जगह जगह से डलवाता है, हाँ जी, वो कहता मैं तो डालूंगा। मैं क्या, तू कमेंट डालेगा उसको ही मुझे पैसे आने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मर्जी डाल ले। सही है, और डलवा, हमें पैसे आने हैं उसके, कमेंट के पैसे आते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता अंकल जी इससे तो। और बल्कि लोग भी समझते हैं भाई, एक दो लोग दुखी आ रहे हैं बेचारे, ये कई लोग ऐसे हैं अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से इतने दुखी हैं, तो उन वो क्या करे, वीडियो डलती है पागल हो जाते हैं। ये कैसे हमारा काम तो है तालमेल बना के रखना है। अभी आप इतनी बार आते हो, हफ्ते में 3 बार भी आते हो, 4 बार भी आते हो, जो पिछली गाय की वीडियो एक भी पाती है आपको सब बिक जाती है। तो हमसे लोग प्यार करते हैं तभी तो लेके जाते हैं, विश्वास करते हैं। एक दो लोग विश्वास नहीं करेंगे, भगवान तो है मैं नहीं। 1000 गाय में से 1 गाय खराब होगी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, काम चलेगा, बुराई भी मिलेगी, अच्छाई भी मिलेगी। हमारी जिसका काम ही नहीं चलेगा उसके लिए क्या बुराई जी, क्या अच्छाई? अब तुम लोगों को मैंने संस्था में जोड़ा है, तो हमारी मंशा ये है ना कि किसान भी फले फूले, बिल्कुल जी, और खरीददार भी अच्छे रहे, बिल्कुल, किसान भी अच्छे रहे, एक दूसरे साथ बेईमानी मत करो, और हमको पैसों में मत तोलो, बिल्कुल जी। हमारा जो खर्चा हमने लेना ही लेना है, ना तो हमारे बाप ने पेट्रोल पंप लगा के रखा है, ना सरकार ने लगा के रखा है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो लड़का साथ में लगा हुआ है, एडिटर है साथ में, बिल्कुल, और उसके पूरी टीम है, सब कुछ। तो तेल पानी का ले भी लिया, इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है तो कम से कम 18-20 हजार का खर्चा, 20-25 हजार का है, खरी बात है। तो खर्चे हैं तो हमने तो लेने हैं, बिल्कुल। अगर तुम्हारा पेट दर्द करता है तो मत बनाओ, दवाई ले लो, बिल्कुल जी, सही है बात जी। ओके जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, चलो।